नाम है जॉर्डन और ये मेरा फ्रेंड है। तो आज हम जा रहे हैं कोराडी मंदिर। कोराडी मंदिर का आज हम व्लॉग बनाने वाले, तो स्टार्ट कर रहे हैं संविधान चौक से, क्योंकि हमारा घर यहाँ से पड़ता है काफ़ी दूर, 8 किलोमीटर। तो हमने सोचा कि 8 किलोमीटर दूर से बनाने से बढ़िया संविधान चौक से बना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे राइडर साहब, ये हम निकल चुके हैं अभी, आरबीआई का टाइम है, इसलिए बताए कि हमारे साहब जी हेलमेट लगाना भूल गए। ये हमारे रोहन सर, और ये जाने का सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि ये वे सिर्फ एक ब्रिज उतरे और सीधा रास्ता, कहीं आपको पलटना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस एक ही रास्ता। और कोराडी वे सबसे बेस्ट वे है, एक्सप्रेस हाईवे टाइप का रोड बना हुआ है, तो आपको और मज़ा आएगा यहाँ से जाने में। तो गाइस, जैसा कि हमारा वीडियो बन रहा था और एडिटिंग के टाइम पे हमारा कुछ क्लिप मिसप्लेस हो चुका है, वो मिसप्लेस होने की वजह से एडिटिंग हमारी रुक गई है। आज हमारा रामटेक का शूट है, तो रामटेक के लिए हम निकल ही रहते, देखे एडिटिंग में मिसप्लेस हो गए वीडियो, तो वापस हमको कोराडी आना पड़ा और एडिटिंग में जो जो मिसप्लेस हुआ है हमारा, वो सब हमको रीशूट करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे का में कोराडी मंदिर का प्रवेश द्वार है, आप यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ से एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू 2 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ेगा, वो हमारे वीडियो में आपको समझ जाएगा। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद मंदिर का प्रवेश द्वार एक और है, जहाँ से आप मंदिर में एंटर कर सकते हो। हाँ, तो कोराडी वे में जाने के लिए जब एंट्रेंस अपन क्रॉस करते हैं, तो ये उसका पहला मंदिर पड़ता है, ये है श्री हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर देखने में काफ़ी आकर्षक है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी प्यारा बना हुआ। और इसी मंदिर का दूसरा पार्ट इसी के आगे पर में, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे पर में, और पीपल के पेड़ की वजह से वो मंदिर और आकर्षक हो जाता है, आप देख सकते हो। मंदिर में बना हुआ गार्डन काफ़ी प्यारा है, उस गार्डन में ऐसा है अंदर अंदर भी आते हैं उसकी, और पंडित भी हमेशा अवेलेबल होते हैं, पूजा आरती हर टाइम होती है यहाँ पे, सुबह शाम 2 टाइम। और ये उस मंदिर का सेकंड पार्ट, पुजारी जी अभी भी बैठे। हे बघा, मंदिर जाण्याचा मार्ग इथून जायचं आहे, इथून नाही, हे बाहेर जायचा मार्ग आहे, हे मंदिर एंटर करायचा मार्ग आहे, इथून नाही, इथून जायचं आहे, चला भाऊ। हम नागपूर वाले, हमको मराठी भी आती, मराठी बोलना भी जरूरी है, अपना बन सा लगता है मराठी। हमारे रोहन भी जब मिरर में एकदम क्लियर दिख रहे हैं, स्माइल करते हुए। सूरज दादा काला कर दे रहे यार। यार हम कल भी आए थे, तुमने रसीद ली, लेकिन जाते वक्त चेक नहीं किया। मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, चालान वाले भैया हमारा चालान काट चुके हैं, ये 10 रुपए की रसीद। और यहाँ पे पार्किंग सुविधा बहुत बड़ी बनी हुई है, इतनी बड़ी क्या बताएं आपको, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है इस साइड, ये पूरी है हमारी पार्किंग, उसके अलावा इस साइड आपके रूम बने हुए, ऊपर आप रह सकते हो,
गेस्ट हाउस टाइप में बने हुए जो लॉज कहते हैं, और नीचे पर बने हैं शॉप। वो नीचे जो शॉप है आप वहाँ पे पूरी मतलब पूजा का सामान, नाश्ता, पानी, हर आइटम आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे बंदे जो दिख रहे होंगे मेरे पीछे, बंक मार के भी आते हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट बंक मार के आते हैं घूमने के लिए। आप बंक मार के मत आइए, लेकिन यहाँ पे विजिट जरूर करिए। मंदिर परिसर नहीं है अभी भी, दुकानें अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी दुकानें हैं, पूजा वगैरह की सामग्री पूरी मिल जाती है यहाँ पे। लोग उल्टा भुला भी रहे कैंटीन, लेकिन मैं शूट आधे से कंप्लीट कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ। बाकी हर टाइप की दुकानें हैं यहाँ पे, पूजा के सामान से फ़ोटो, मंदिर से जुड़ी कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी हो तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये एक और जगह है जो हमारी शूट में पिछले बार मिस हो गई थी, मतलब हमको पता नहीं था, अभी हमें पता चला। यहाँ पे शादियाँ भी होती है, जो हिंदू समाज के लोग हैं वो लोगों के लिए यहाँ पे फ्री में अरेंज करवाते हैं शादी का। बस जो छोटा मोटा अगर अपने को डेकोरेशन वगैरह करना है तो उसका अपने को खर्चा करना पड़ता है, अदरवाइज हर काम यहाँ पे फ्री में हो जाता है मंदिर में। ये मेरे पीछे अगर शादी होती तो फ्री का खाना खाने चले जाते। शादी है नहीं आज, हो चुकी है रात में, अभी मंडप डला हुआ है, सिर्फ सेटअप लगा हुआ है। अंदर चल के हॉल भी देख लेते हैं कितना बड़ा है क्या है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी प्यारी जगह, काफ़ी अच्छा सेटअप है, बहुत बड़ा है, हजार लोग आराम से आ जाते हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे। काफ़ी बड़ा स्पेस है। दूल्हा दुल्हन की पोजीशन आप देख सकते हो, किसी बड़ा हॉल लेते तो भी इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती अपने को, लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा आ रहा है। ओहो, ऐसा फैन मैंने लास्ट टाइम बेंगलोर एयरपोर्ट में देखा था, उसके अलावा कहीं नहीं, और आज कोराडी में देख रहा हूँ। काफ़ी बड़ा सा फैन, सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो शूट है उसे और कंटिन्यू करते हैं। ओह माय गॉड, रीशूट करते करते वीडियो कंटिन्यू, पूरा ही रीशूट होते जा रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है हमें। ये देख सकते हैं आप मंदिर का गेट, पिछले वीडियो में भी हमने बनाए थे, लेकिन ये हमारे पास क्लिप है, लेकिन आज वापस से बनाने की इच्छा होगी इसलिए दिखा रहा हूँ। यह हमारा मंदिर का गेट, इसके ठीक सामने ही मंदिर है, ये आपको दिख रहा होगा पीछे बाद में, ठीक सामने मंदिर है। और यहाँ से आप एंटर करते हो तो आपको फूल वगैरह, पूजा सामग्री वगैरह यहाँ पे भी मिलती है, पूरा आइटम मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप फूल वगैरह नहीं लेते हो या ऐसे ही आए हो सिंगर और कुछ नहीं लेते हो, तो जूते चप्पल का स्टैंड ये रहा, जूते चप्पल आप यहाँ पे रख सकते हो, ये लोग थैली में डाल के रखते हैं। यहाँ पे पूरे आइटम आपके थैली में रखे जाते हैं, जूते चप्पल आप यहाँ पे रख के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये सामने पहले मंदिर है, मंदिर के अंदर एंटर होते हुए यहाँ पे मेटीरियल साफ सफाई आप देख ही सकते हैं। ये नारियल फोड़ने की जगह, काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत व्यू है मंदिर का, काफ़ी प्यारा है। काफ़ी लोग अभी भी घूम रहे हैं मंदिर परिसर में। ये गुप्ता जी का दुकान, ये बहुत पुराना दुकान है यहाँ का, कम से कम मेरे पैदा होने के भी पहले का, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ फिर भी मेरे पैदा होने के भी बहुत पहले का दुकान है गुप्ता जी का दुकान, कोराडी का सबसे फेमस दुकान था। ये मंदिर के अंदर एंटर हो जाए, काफ़ी बड़ा सा काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। मंदिर का गेट यहाँ से भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है।
और ये पीछे हमारे रोहन भैया आते हुए चार ओर का यहाँ पे लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए देखा जाए तो ये नक्काशी ताजमहल को भी फेल कर सकती है। ताजमहल की बात कर रहा हूँ जो कि आगरा में प्रसिद्ध है। ये छोटा सा गणेश मंदिर, इसकी भी नक्काशी काफ़ी प्यारी है। आप ऊपर देख सकते हो छोटे छोटे मंदिर बने हुए। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ की देवी तीन रूप बदलती है। सवेरे के टाइम पे बच्ची होती है, दोपहर के टाइम पे बड़ी होती है और रात के टाइम पे वृद्धा होती है। अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस हो, टेंशन हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पे ज़रूर आइए। आपको दुनिया से अलग, जहाँ पे दुनिया में इतना शोर शराबा टेंशन ये सब फैला हुआ है, यहाँ पे वो 1% है। उसके अलावा अगर आप देवी की मूर्ति को गौर से देखते हो, यहाँ पे अनुमति नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन अगर आप देवी की मूर्ति को गौर से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि देवी की क्या आस्था है। यहाँ पे लगता है कि देवी हमें ही देख रही है साक्षात। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि देवी तीन रूप बदलती है, यहाँ पे तीन रूप में सवेरे के टाइम पे बच्ची होती है और दोपहर के टाइम पे नॉर्मल लेडी होती है और रात के टाइम पे वृद्धा होती है। जो पर्यटक आते हैं उनके लिए स्पेशल बगीचा बनवाया गया है और आप बगीचा देख सकते हो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी लंबा फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। इतना कि अगर आप यहाँ पे अगर घूमने आते हो ना तो आपको कम से कम एक पूरा दिन निकालना पड़ेगा, सवेरे 6 बजे की आरती के से लेकर रात के 8 बजे की आरती तक। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ की देवी देवता की मान्यता बहुत है और अगर आप देवी माँ जगदम्बा के भक्त होंगे तो आप लाइक किए बगैर जा नहीं सकते। और लाइक के साथ साथ जय माँ शेरावाली लिखना कमेंट में और लाइक का बटन दबा के जाना। और अगर वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो जा रहा है वो भी जगदम्बा माता का, ठीक है। और यहीं से अभी हम निकलने वाले हैं कहाँ, रामटेक टूर पे। तो रामटेक टूर में जो हमारा डे नाइट का शूट है, मतलब ऐसा यहाँ से निकलेंगे डे में, वहाँ से निकलेंगे नाइट में, तो जो हमारा नाइट का शूट है वो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि वो नाइट के शूट में कैसा रहेगा, जो पहाड़ी के ऊपर से हम शूट लेंगे ना तो नीचे पर में काफ़ी आपको अच्छी सीनरी देखने मिलेंगी और उसके अलावा बीच में एक हार्ट टाइप बना हुआ है लाइटिंग से ही, पहाड़ के ऊपर से ही दिखता है, वो नीचे से नहीं दिखेगा, तो आपको वो भी हमारे वीडियो में देखने मिल जाएगा। और उसके अलावा रामटेक की आपको पूरी जानकारी दे देंगे जैसे अभी कोराडी मंदिर की हमने आपको दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा रामटेक का। अब यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं नया वीडियो रामटेक के टूर के साथ फुल ट्यूटोरियल में।